वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेशो के बारे में पढ़ेंगे आज। एक लाइन सेगमेंट को अगर हमें फिक्स रेशो में डिवाइड करना हो तो कैसे कर सकते हैं विद प्रॉपर कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन के साथ। चलिए ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, लेट सपोज ये लाइन है हमारे पास और इसकी लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है? 20 सेंटीमीटर लेंथ है जी। और हमें यह कहा गया कि इसे 2:3 में डिवाइड कर दो। क्या कर दो? 2:3 में डिवाइड कर दो। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले रेशो का मतलब समझते हैं कि 2:3, इसे 2:3 भी बोलते हैं, इसमें डिवाइड करने का मतलब क्या है। अब देखिए मतलब क्या है, पहले तो 2 और 3 कितना होता है, ये देखिए 2+3 = 5, 2+3 = 5 है। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ए बी लाइन सेगमेंट के 5 बराबर हिस्से कर दो। क्या कर दो? 5 equal parts, 5 equal हिस्सों में बांट दीजिए इसको। देखिए यहां पर एक हिस्सा बन गया, 2, 3, 4 और ये 5। मान लीजिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 हिस्सों में बांट दिया जी। ये इक्वल होने चाहिए, दिखने में जैसे मर्जी लग रहे हो, 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया हमने। अब समझना है 2:3 का मतलब क्या होता है। 2:3 का मतलब ये देखो, पहला और दूसरा 2 हिस्से इसको दे दिए, इसका नाम सी दे दो। ये ए और सी तक कितने हिस्से पहुंच गए जी? 2 हिस्से पूरे हो गए। इसके बाद कितने हिस्से बचे? 1, 2, 3, तो 3 हिस्से इस तरफ, यानी कि ए सी की तरफ कितने हिस्से आए? 2 हिस्से आए। और सी से लेकर बी तक, बी सी तक कितने हिस्से आए जी? 3 हिस्से आए। और रेशो का मतलब क्या होता है, ये देखिए AC/BC, ये जो C पॉइंट है ना, ये जो C पॉइंट है, C पॉइंट के लेफ्ट साइड 2 हिस्से आते हैं, C के राइट साइड में कितने हिस्से आते हैं जी? 3 हिस्से आते हैं। इसका मतलब C पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को किस रेशो में बांट रहा है? 2:3 में बांट रहा है। तो 2:3 का मतलब समझ आया कि इस तरफ 2 हिस्से, दूसरी तरफ कितने हिस्से आएंगे? 3 हिस्से आएंगे। तो ये मतलब है 2:3 का, यानी कि AC/BC किसके इक्वल है? 2/3 के इक्वल है। ये रेशो है 2/3 के इक्वल है। अब इसी तरह से अगर होता कि जी 1:4 में डिवाइड करो, किस में डिवाइड करो? 1:4 में डिवाइड करो, तो उसका मतलब क्या होता कि जी हिस्से तो कितने करने हैं? 5 हिस्से करने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये देखो, ये पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 हिस्से हो गए हमारे पास। 1:4 का मतलब कि जी यहां पे अब सी पॉइंट, एक हिस्सा यहां पे, बाकी के चारों राइट साइड में। दैट मींस सी पॉइंट्स डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो 1:4। ठीक है, आई होप कि अब रेशो होता क्या है ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। अब निकालना कैसे है? अब जैसे यही क्वेश्चन है गिवन, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि 2:3 में डिवाइड करना। ये देखिए ए बी लाइन सेगमेंट है, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर और रेशो कितनी है? 2:3 है। अब देखते हैं कैसे इसका आंसर निकालना है। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट सी है बीच में, ये पॉइंट सी जो इसे किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:3 में डिवाइड करता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? अब जो हमने समझा कि जी ए सी के ऊपर 2 है ना, तो ए सी अपॉन ये वाली लेंथ बी सी, ये रेशो कितनी दे रखी है? 2:3 दे रखी है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अभी तक, AC/BC कितनी है? 2:3 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं? लेट AC = 2x, BC के सामने 3 आ रहा है, तो BC को क्या सपोज कर लेना है? 3x। अभी बताएंगे आपको ये 2x और 3x क्यों सपोज किया। तो करते क्या है, AC के सामने 2 है तो AC को 2x, BC को क्या सपोज कर लेना है? 3x। अब पूरी AC+BC कितनी है हमारे पास? अगर AC में BC को ऐड कर दें तो पूरी AB बन जाती है? बिल्कुल बनती है। AC की जगह पर 2x, BC की जगह पर 3x और AB कितनी है? 20, यानी कि 5x = 20 और x की वैल्यू 5 नीचे आ जाएगा जी, काट के x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। x की वैल्यू 4 आ गई तो AC कितना आएगा? यहां लिख लेते हैं, AC है कितना? 2x, 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर और BC कितना है? 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4
12 सेंटीमीटर, तो कुल मिलाकर 8 सेंटीमीटर इस तरफ रहेगा, 12 सेंटीमीटर इस तरफ रहेगा, यानी कि एक तरफ 8 सेंटीमीटर, एक तरफ 12 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर को 2:3 में डिवाइड करना है तो एक तरफ कितना आएगा 8, एक तरफ 12। आप सॉल्व करके देख सकते हो, 8 को 12 से डिवाइड कर लीजिए, 2 के टेबल में 4000, ये 2 के टेबल में 6000, फिर 2 के टेबल में काटोगे 2000, 2 के टेबल में 3000, बन गया 2/3। 4 पे डायरेक्ट भी काट सकते थे, 4 2 8, 4 3 12, तो रेशियो बन गई 2:3। अब एक सवाल जो मैंने बीच में छोड़ा था, जिसमें सबको कंफ्यूजन भी होती है, बच्चों को अक्सर बच्चे क्लास में पूछ ही नहीं पाते कि मैम इसको 2x और 3x किया क्यों है। तो देखिए, अब समझिए ये 2x 3x क्यों किया हमने। यहां पर आपने सॉल्व किया, आपका आंसर x की वैल्यू 4 आई थी ना, बस इस 4 की वैल्यू को एक बार याद रख लेना कि हाँ 4 आया था। अब मैं इस क्वेश्चन को छोड़िए, मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। मान लीजिए आपके पास ये रेशियो दे रखी है, फादर्स एज, ऊपर सन की एज रखते हैं, सन्स एज अपॉन फादर एज इज गिवन एज 2/3। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, रेशियो दे रखी है किसकी, सन की एज और फादर की एज, बाप बेटों की एज की रेशियो कितनी है, 2:3। अब मेरे को एक बात बताइए, सन के एज के सामने कितना आता है, 2 आता है, फादर एज के सामने 3 आता है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि सन की एज 2 ईयर्स हो और फादर की एज 3 ईयर्स हो, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ही हमने ये नहीं समझा कि ए सी के सामने 2 है तो ए सी की वैल्यू 2 होगी, बी सी के सामने 3 है तो बी सी की वैल्यू 3 होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हो क्या सकता है, ये 2:3 क्यों आई है, जरूर ऐसा कोई ना कोई कॉमन फैक्टर था। ये रिड्यूस्ड फॉर्म है जी, ये लोएस्ट फॉर्म में रेशो दे रखी है 2:3, ऐसा कोई ना कोई कॉमन फैक्टर जरूर था जो कट गया था। जैसे हमारे इस केस में कॉमन फैक्टर वो कौन सा था, 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4 आया ना, 4 2 8, 4 3 12, तो ऐसा कुछ ना कुछ कॉमन जो वेरिएबल या कॉमन फैक्टर जरूर होता है जो हमें नजर नहीं आ रहा होता, बस उसी को सपोज करते हैं कि चलो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, भी कुछ ना कुछ जो पोर्शन कटने वाला था वो साथ में सपोज कर लेते हैं। वैसे ही यहां पे अब सन की एज सपोज करनी हो मान लीजिए, तो सन की एज को हम 2x सपोज करेंगे, फादर की एज को, फादर एज को 3x सपोज करेंगे, 2 और 3 नहीं सपोज करते। वही रीजन है कि यहां पर भी हमें 2x और 3x सपोज करना पड़ा, बाद में वही देखा हमने कॉमन पोर्शन क्या निकल गया, 4 वो कॉमन फैक्टर निकल गया था जो कट के आया था। अब देखिए, ये तो हो गया लाइन सेगमेंट अगर 2:3 में डिवाइड करनी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि 2:3 में इसके तीन हिस्से करने आ जाएं तो भी क्या मुश्किल है। ये देखो, ए बी लाइन सेगमेंट मान लो वही 20 सेंटीमीटर है और आपको क्वेश्चन आ गया जी 2:3:5, यानी कि तीन हिस्सों में बांट दो जी, कितने हिस्सों में बांट दो, तीन हिस्सों में बांट दो, 2:3:5, मतलब समझना आसान है जी, तीन, ये देखिए 2 + 3 + 5 कितना बना 10, यानी कि इसके 10 हिस्से कर दो, कितने हिस्से कर दो, 10 हिस्से कर दो, 10 हिस्से करें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8th, ये 9th, और चलिए एक और आगे पॉइंट ले लेते हैं, ये 10, 10 हिस्से कर दिए हमने। अब 2:3:5 का मतलब क्या है, दो हिस्से ये रे, ठीक, दो हिस्से ले लिए, इसके बाद तीन हिस्से लेने का मतलब है ये, तीन हिस्से ले लिए, अब पांच हिस्से ये रे, तीन हिस्सों में बांटना है। अब यानी कि यहां पर एक पॉइंट सी ले लिया, यहां पर डी पॉइंट ले लिया, यानी कि हमें ए सी रेशो सी डी रेशो डी बी किसके इक्वल दे रखी है, 2:3:5। तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए, मेथड क्लियर है तो कुछ मुश्किल ही नहीं है। अब यहां पे हमें अगर ए सी सी डी और बी डी की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करोगे, अब कंसेप्ट हमें क्लियर है, ए सी के सामने क्या आता है, 2 आता है तो 2x, सी डी के सामने 3 आता है 3x, डी बी के सामने 5 आता है तो 5x। अब देखो 2x + 3x + 5x तीनों का टोटल किसके इक्वल है, 20 के, 10x = 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आने का मतलब यहां पुट करो, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर का पहला हिस्सा बनेगा, दूसरा हिस्सा 6 सेंटीमीटर का, तीसरा हिस्सा 10 सेंटीमीटर का, बन गया 2:3:5। तो इस तरीके से लाइन सेगमेंट को रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, सबसे पहले तो रेशो में डिवाइड कैसे करते हैं, रेशो होता क्या है, उसका मतलब क्या है, हिस्से कर देना ही रेशो है, राइट, और
मेन बात क्या पढ़ी कि जब हम 2x और 3x सपोज करते हैं तो उसका मतलब क्या है, क्यों सपोज करते हैं, क्यों x लगाने की जरूरत पड़ती है, क्यों सामने वाली वैल्यू को ही सीधा उसका नंबर क्यों नहीं मान लिया जाता, राइट? तो आई होप आपको आज ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।